गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर प्रोसीडिंग आर चैप्टर मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर बाय एन एक्टिविटी। दीज आर फाइव बीकर्स ए बी सी डी ई, राइट। इन ए बी बीकर यू आर फाइंडिंग दैट अ लाइट ब्लू सॉल्यूशन। इन सी एंड ई बीकर देयर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, राइट, अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। इन द डी देयर इज अ ब्राउनिश कलर सॉल्यूशन, राइट। फर्स्ट टू सॉल्यूशन इज मेड ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हाट यू विल डू, take some water in all the beakers and mix the copper sulfate in first two beakers. In C and E we have to mix the we have to mix water with zinc sulfate. Now in D beaker there is a iron sulfate, right. Now put some zinc powder in beaker A, iron powder in B, copper in C, copper in D and iron in E. What will happen? Now see, the color of beaker A liquid or solution changes, right, it becomes transparent now. In beaker B the color also changes, but there is no change in color in C, D and E beakers, right. So only the color of liquid in A and B changes. Why? It means there is a chemical reaction in beaker A as well as in beaker B, but there is no chemical reaction in C, D and E beaker, right. Now we are going for the displacement reaction. Actually what happened in beaker A and beaker B, the copper displaced by the zinc, and in beaker B iron displaced the position of copper. So copper settled down in both the beakers and the solution becomes of zinc sulfate in beaker A and iron sulfate in beaker B. This is displacement reaction. Reason is that the one metal is displacing the another metal, so it is called displacement reaction. The reaction in which one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution is called displacement reaction. Aqueous solution का मतलब होता है पानी वाला solution. तो किसी भी compound का, जैसे compound का मतलब जैसे copper sulfate, zinc sulfate, iron sulfate, इनको कहा जाता compound. तो क्या किया, एक metal ने दूसरे metal को displace कर दिया उसके compound के aqueous solution से, तो that is called displacement reaction. तो हुआ क्या, इन द बीकर ए कॉपर सल्फेट और जिंक, CuSO4 कहते हैं कॉपर सल्फेट को, जैसे जिंक, तो जिंक चला गया कॉपर की जगह और कॉपर आ गया जिंक की जगह, यानी कॉपर यहाँ से हट गया, तो जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इट बिकम्स ZnSO4 प्लस सी इन बीकर. नाउ इन बीकर बी कॉपर सल्फेट एंड आयरन, आयरन डाला था ना कॉपर सोल्यूशन के सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आयरन चला गया कॉपर की जगह और कॉपर आ गया आयरन की जगह, तो इन बीकर बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस. बट व्हाई नॉट इन सी डी एंड ई. नाउ वी आर गोइंग अगेन फॉर प्रीवियस वन. अब अगर यहाँ जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो कॉपर ने जिंक की जगह क्यों नहीं ली, कॉपर ने यहाँ आयरन की जगह क्यों नहीं ली, ये आयरन ने यहाँ जिंक की जगह क्यों नहीं ली,
एक्चुअल में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, यानी जो पावरफुल मेटल है, वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। और मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस और रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन बीकर ए, इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने कॉपर की जगह ली। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। लेकिन अगर हम सी और डी और ई में देखें तो वहाँ पे जो सिंगल एलिमेंट था वो कम रिएक्टिव था, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में मेटल के यूजेज और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल के यूजेज देखेंगे। पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एसेट्रा। बहुत सारे यूजेज हैं मेटल के, आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। खाना बनाने के बर्तन से लेके एरोप्लेन से लेके सारी मशीन जो हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जो गैसेज हम इनहेल करते हैं वो सब नॉन मेटल के हैं, तो उनको हम ब्रीदिंग में काम में लेते हैं। फर्टिलाइजर्स जैसे फॉस्फोरस हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जब फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ये सारे के सारे जो हैं फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है, यानी प्यूरीफायर्स में इसे यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स जो आप देखते हैं डेटॉल, सेवलॉन, ये लगाते हैं एंटीसेप्टिक्स, उनमें भी यूज किया जाता है। इन क्रैकर्स जो क्रैकर्स बनते हैं पटाखे वगैरह, उनमें भी नॉन मेटल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स के भी कई सारे यूजेज हैं, ठीक। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।